नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज भेल स्टॉक के बारे में। और यहाँ पर कई सारे देखिएगा क्वेश्चन बैक टू बैक आते रहते हैं, तो आपको कई सारे देखिएगा क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ अब क्योंकि जुलाई का मंथ आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक में। और इसका मेन रीज़न बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसके बेसिस पे रिएक्शन आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा आफ्टर रिजल्ट, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक पेन देखने को मिला था, बट पेन बड़ा नहीं था। अगर आप देखेंगे अभी तो कोई बड़ा पेन नहीं आया स्टॉक में। बहुत सारे लोग अगर होंगे, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो 70-75 के लेवल पे इसमें स्टॉक में स्टक होंगे। अदरवाइज मैक्सिमम लोग 68-65 के आसपास थे और उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर लिया होगा। दे आर वेटिंग फॉर द फॉल, दे आर वेटिंग फॉर द करेक्शन। तो उनको सबको मैं बताना चाहता हूँ कि यह स्टॉक कब तक आपको इस ट्रेजेक्टरी में देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर मतलब एक रेंज में देखने को मिलेगा, जिस बॉक्स में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे आफ्टर रिजल्ट लगातार स्टॉक में गिरावट आई है। अगर देखेंगे आप अभी भी स्टॉक 8% नीचे, कितना है 8% की करेक्शन देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक कहाँ पे था रिजल्ट से पहले, 79 के आसपास। देखिएगा वहां से अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया आपको मोमेंटम, एक बढ़िया फॉल देखने को मिला है, बट पेन अभी कम नहीं हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना है। वॉल्यूम बढ़े अप हो सकते हैं, लोग इसमें ऑपरेटर बहुत एक्टिव हैं। अगर आप देखेंगे इंगेजमेंट ज़्यादा है, स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा बाय किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो फंडामेंटल, तो फंडामेंटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इनके बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आए। चूँकि अगर बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट नहीं आता है, तो आप ये भी जान लीजिए कि ये स्टॉक ऑलरेडी आपका पैसा डेढ़ गुना कर चुका है, डेढ़ गुना तक पैसा कर चुका है। मार्केट ने इसको बहुत क्लियर वैल्यूएशन दिए हैं, बट इसके वैल्यूएशन इसके बिजनेस के साथ मैच करते हैं, ये बड़ी चीज़ है। अगर आपको पता होगा प्री कोविड लेवल पे भी स्टॉक 55 रुपये से बड़ा ज़्यादा नहीं जाता था, 55-50 रुपये के आसपास देखने को मिलता था। बट आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे इस तरीके के पैंडेमिक सिचुएशन में, इस तरीके की लॉस मेकिंग सिचुएशन में, इफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गेटिंग 70-79 के रुपीज़ के लेवल, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्टॉक को काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन मार्केट ने दिए हैं। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर वीक फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल क्या है, वीक है। जितने लोग भी क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उनके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे CAGR ग्रोथ देखिएगा, 3 साल की CAGR ग्रोथ दिखा रहा हूं। और यहां पर रेवेन्यू देखिएगा, डबल डिजिट में निगेटिव देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि डबल डिजिट में निगेटिव ग्रोथ है। और जबकि बिजनेस अगर आप बात करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन देखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन देखिएगा, बिजनेस हर जगह पे है, डिफेंस में है, इक्विपमेंट में है, पावर में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, कई जगह पे हैं, अवेलेबिलिटी हर जगह पे है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फ्री स्टाइल में काम करने के लिए कह दिया है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है। देन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे कि आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिले और तब भी इम्प्रूवमेंट अगर बैलेंस शीट में ना आए, तो आपको एक बार स्टॉक में वेट करना चाहिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपके पास मार्केट में इससे बेटर स्टॉक है, बेटर स्टॉक है, विद क्वालिटी है, फंडामेंटल है, आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो वहां पर। तो जब आपको मार्केट में इतने अच्छे अवेलेबल स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड भी हैं, तो आपको चॉइसेस के बेसिस पे अच्छे सिलेक्शन करने हैं। तो केवल स्टॉक के प्राइस को नहीं देखना है, वीक फंडामेंटल है, डाइवर्सिफिकेशन है, बट एग्जीक्यूशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कंपनी अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए एक पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रही है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर अभी कोई भी मोमेंटम तब तक नहीं मतलब सोचना चाहिए जब तक यहाँ पर देखिएगा जो फाइनेंशियल है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, क्वार्टर के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं आता। सेकेंड चीज़ देखिएगा, स्टॉक क्यों भागता रहता है। अगर आप पूछोगे कि स्टॉक क्यों भाग रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है वॉल्यूम। स्टॉक में इंगेजमेंट ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक महीने पहले 9-9 करोड़ के वॉल्यूम आ रहे थे, तो आप समझेंगे स्टॉक में कितना इंप्रूवमेंट है। एक दिन में, विद इन वन डे में स्टॉक 5-7% मूवमेंट दे रहा था, 5-7-3% के मूवमेंट आपको विद इन वन डे में देखने को मिल रहे थे, जिसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो भेल स्टॉक कई बार बैन में चला जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंगेजमेंट ज़्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर भी ज़्यादा है, ऑपरेटर भी ज़्यादा है, इसलिए इंगेजमेंट देखने को मिलती है। ट्रेडिंग पर्पस के लिए क्वालिटी स्टॉक है। इस समय अगर आप बात करेंगे, इस समय के सिनेरियो में भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए क्वालिटी स्टॉक है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस
वापस के लिए इन लेवल्स पे बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। इसका बड़ा रीजन मैं बताता हूं, इसका बड़ा रीजन आपको पता है, इसका बड़ा सबसे बड़ा रीजन है कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट। अगर आप देखेंगे जो ब्रोकरेज ने यहां पर पूरी तरीके से वैल्यूएशन निकाले हैं, तो उन्होंने तो सीधा सीधा स्टॉक को हाफ कर दिया है, 30 रुपए 45 रुपए 40 रुपए का भाव दे दिया है। तो हालांकि आपको वो उन लेवल पे स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी तरीके से उन लेवल पे स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको पता है मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई थी, पैंडेमिक सिचुएशन है, और पैंडेमिक की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रिजल्ट में इतना ज्यादा पेन देखने को मिला है, तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी क्या आएंगे, खराब आ सकते हैं। और जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया है, जल्दी 10-15 जुलाई तक आपको डेट के अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेंगे, स्टॉक के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में स्टॉक एक पर्टिकुलर बॉक्स में रहेगा, और जैसे ही रिजल्ट आते हैं या फिर मैनेजमेंट की कोई कॉमेंट्री आती है, भले पॉजिटिव आए निगेटिव आए, तभी आपको ये बॉक्स से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। पॉजिटिव न्यूज होगी तो बॉक्स अप ट्रेंड में रहेगा, और निगेटिव न्यूज होगी तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो इसीलिए कहता हूं कि ये चीजें आपको देखनी है कि यहां पर अभी भी लॉस चल रहे हैं। बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर अभी बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं। केवल वॉल्यूम के बेसिस पे अगर आप देखेंगे स्टॉक में मोमेंटम आ जाते हैं, स्टॉक में देखिएगा 62 रुपए 63 रुपए से 65 67 रुपए के लेवल आपको देखने मिल जाते हैं, देन आफ्टर दैट फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाती है। तो इट इज़ गुड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। फ्रेश बाय के लिए जितने लोग भी पूछ रहे थे तो उनको से नो है, क्योंकि आपको अभी मार्केट में काफ़ी क्वालिटी स्टॉक, इससे भी अच्छे फंडामेंटल अंडर वैल्यूड स्टॉक अवेलेबल हैं, और आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते भी रहते हैं। साथ ही साथ देखिएगा रिजल्ट से पहले कितने बढ़िया रिटर्न बना के दिए, अगर आप देखेंगे 3 महीने में 1 साल में रिजल्ट बहुत बढ़िया बना के दिए, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं मार्केट ने। बट 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, चूंकि इन्होंने जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन की थी, जिस तरीके से मार्केट ने एक्सपेक्टेशन की थी, उस तरीके के इन्होंने क्या नहीं के रिजल्ट बना के नहीं दिए। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इंडेक्स के, निफ्टी, निफ्टी बैंक के, प्राइस एक्शन स्टॉक सब कुछ अवेलेबल होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करिए, और वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारी अपडेट भी मिलती हैं। तो अब बात करेंगे लेवल्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा अगर मार्केट में कोई भी फॉल आता है तो तुरंत आपको स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तुरंत आपको स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा, नो डाउट। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, ये बेस सपोर्ट है, यानी कि जैसे स्टॉक नीचे जाता है मार्केट में फॉल आता है, ये सपोर्ट रहेंगे, इन पे स्टॉक में सर्वाइवल आता है। तो जैसे स्टॉक में रिवाइवल आएगा, जैसे ही मार्केट में रिवाइवल आएगा, तुरंत ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसी पर्टिकुलर रेंज में भी तो स्टॉक क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अब इसका देखिएगा मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज है 69, मैक्सिमम रेंज है क्या 69, और उसके बाद 71, ये बहुत मैक्सिमम रेंज है। इस बॉक्स से अभी स्टॉक बाहर नहीं निकलेगा, और जब तक ये 60 रुपए के नीचे नहीं जा रहा तब तक कोई बड़ा पेन देखने को नहीं मिलेगा। तो बड़ा पेन के लिए 60 का लेवल एक बेस सपोर्ट है, जहां पे रिजेक्शन आ रहा है, बार बार स्टॉक वहां से क्या कर देता है, रिबाउंड कर देता है, ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है ऊपर की तरफ, देखिएगा जैसे गिरता है उसके बाद आपको 66 का लेवल देखना है, और इसी बॉक्स में स्टॉक देखने को मिलेगा। मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल 69-71 के आसपास हैं, और अभी के लिए आपको पता है कि क्वार्टर के रिजल्ट फिर से आएंगे, वहां पर भी आपको पेन देखने को मिल सकता है। तो किसी भी तरीके के फ्रेश बाय ना करें, वहीं जाएं जहां पे COVID-19 का इंपैक्ट ना हो, वहीं जाएं जहां पे अंडर वैल्यूएशन हो, वहीं जाएं जहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग हो और काफी क्वालिटी हो स्टॉक में। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, फर्दर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।